आप देख सकते हैं मेरा जो फोन है वो पूरी तरह से टीवी से कनेक्ट हो। दोस्तों अगर आपका मोबाइल अपने टीवी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आपने सही वीडियोस को प्ले किया है, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो को बताने लगा अपने मोबाइल को टीवी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो आप गारंटी से, मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग आसानी से अपने मोबाइल को टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों न्यू टैब में आपको गूगल में यहाँ पर टाइप करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है स्क्रीन मिरर। चलिए यहाँ पर टाइप कर लेते हैं स्क्रीन मिरर। ओके, बहुत से मोबाइल में क्या है कि दोस्तों जो है काम नहीं करता है, जो जो सेटिंग्स बताया जाता है वो काम नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको टाइप करना है स्क्रीन मिरर। जैसे आप टाइप करेंगे स्क्रीन मिरर तो यहाँ पे से एक एप्लीकेशन आ चुका है स्क्रीन मिरर का। ओके, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। ये डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और ये हो सकता है कि आप मोबाइल में सेटिंग्स जो है वो बराबर काम नहीं करता है, इसलिए दोस्तों एप्लीकेशन के माध्यम से आप बहुत ही आसान तरीके से, इजी तरीके से अपने टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल से। ओके दोस्तों, तो आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना बहुत ही इजी तरीका है। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ बहुत ही इजी तरीका है और आप बहुत ही आसान तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इस तरीके से कुछ इंटर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे लेटर कर देंगे और यहाँ पे इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहाँ पे आ चुका है। ओके, प्लीज़ चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन जो है मांग रहा है। ओके, तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन दे दिए। इसके बाद स्टार्ट और यहाँ पे सेटिंग्स ऑप्शन मिल जाता है, दो ऑप्शन। यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं प्राइवेसी, और यहाँ पे जो है बैक जाएंगे, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे सर्च फॉर डिस्प्ले डिवाइस, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे से आपका जो डिवाइस है वो सर्च हो रहा है, सर्चिंग में चल रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने टीवी को ऑन करना है। टीवी को ऑन करने के बाद वहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, इनपुट सोर्स में जाना है और HDMI पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो डिवाइस है यहाँ पे सर्च में आ जाएगा। सर्च में आने के बाद आपको यहाँ करना है, यहाँ पे आपको जो जैसे सर्च पे आ जाएगा तो आपको कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करते ही आपका मोबाइल जो है टीवी से कनेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ अपने टीवी को मोबाइल से। ओके, आप देख सकते हैं मेरा जो फ़ोन है वो पूरी तरह से टीवी से कनेक्ट हो गया था। आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली ये कनेक्ट हो चुका है, मेरा जो फ़ोन है वो टीवी से पूरी तरह से कनेक्ट हो चुका है। तो आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं मैं जो भी कर रहा हूँ अपने मोबाइल में वो पूरी तरह से यहाँ पे टीवी में दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरा सोनी का टीवी है, पूरी तरह से यहाँ पे कनेक्ट दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं जो भी मैं कर रहा हूँ सब कुछ यहाँ पे टीवी में दिखा रहा है। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अपने मोबाइल को टीवी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका कोई भी अब भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में या आपके टीवी में ये सपोर्ट नहीं कर रहा, जो मैं आपको प्रोसेस बताया, अगर ये डाउट आपका सपोर्ट नहीं कर रहा तो आप उसके लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने टीवी में जाना है, टीवी के जाने के बाद वहाँ पे चालू अपना टीवी ऑन करना है। टीवी को ऑन करने के बाद सेटिंग में जाना है और वहाँ से आपको रिसेट कर देना है, अपने सेटिंग को रिसेट कर देना है, या फिर अपडेट का ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा नीचे, आपको अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप अपडेट कर दीजिएगा। सेटेलाइट करके अपडेट वहाँ पे ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा, वहाँ से आप सीधा यहाँ ये कनेक्ट कर पाएंगे, इस प्रकार से आप कनेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नीचे कमेंट बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में एक फ्रेश और कमाल की वीडियो साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।